एक तरफ जहां भारत में हर घर तिरंगे की लहर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक अहम मुद्दा छिड़ गया है। भारत को भारत ही बोला जाए, इंडिया नहीं। इसी को लेकर राजधानी दिल्ली आईटीओ पर स्थित अणुव्रत भवन में मैं भारत हूँ फाउंडेशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारत माँ की आज़ादी के 75वें वर्ष की पूर्णता पर पूरा देश मना रहा है अमृत महोत्सव, जिसके उपलक्ष्य पर मैं भारत हूँ फाउंडेशन द्वारा भारतीय प्रतिबिंब कल आज और कल की ओर कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 7 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत को संवैधानिक रूप से एक ही नाम होना चाहिए, जिसके लिए मैं भारत हूँ फाउंडेशन मांग उठा रहा है। मैं भारत हूँ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार जैन ने जानकारी देते हुए कहा कि आज पूरा देश भारत माँ की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर अमृत महोत्सव पर तिरंगा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से कर रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं भारत हूँ फाउंडेशन के पदाधिकारी, जो कि भारत व विदेशों में भी निर्वासित है, कार्यक्रम का आयोजन के तहत प्राचीनतम इतिहास, वर्तमान भारत, भविष्य के भारत पर चर्चा व मंथन करेंगे। आपको बता दें कि मैं भारत हूँ फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सफलता के लिए राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी राष्ट्रीय महामंत्री शोभा सादानी कोलकाता, कोषाध्यक्ष निशा लड्डा कोलकाता, सह कोषाध्यक्ष अनुपमा शर्मा दादीश मुंबई, उपाध्यक्ष गोविंद महेश्वरी कोटा, उपाध्यक्ष किरण लड्डा दिल्ली, सदस्य कुसुम लोनिया दिल्ली स्थित फाउंडेशन के विदेश संयोजक अरुण मुंदडा होस्टन, किशोर जैन लंदन, आशीष जैन और विपुल जैन इत्यादि जुटे हुए हैं। कि हमारा भारत हजारों साल से हमारा भारत ही था, इंडिया तो मात्र 200-250 साल पहले आया, अंग्रेज आए और अंग्रेज ने मात्र 15 सालों के लिए अंग्रेज यहाँ पर भारत में आए थे और उन्होंने 250-300 साल हम पर शासन किया और शासन करने के बाद ये नहीं बहुत कुछ किया, वो तो आप सभी इतिहास में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की वो ये की कि उन्होंने अपने हमारे भारत को जो हजारों साल से चला आ रहा था उस भारत का नाम मिटाकर उन्होंने अपने देश का नाम इंडिया कर दिया। इंडिया आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया तो कभी होना ही नहीं चाहिए। यदि आप लोगों को इसका इंडिया का मूल रूप और अर्थ समझना है तो आर्टिकल नंबर 789 गूगल में आप जाके देखिए, आपको सब पता चलेगा। मित्रों एक बात और बोलना चाहूँगा कि कब किसी एक देश के नाम दो नहीं है, आप विश्व का इतिहास निकाल के देख लीजिए, 192 राष्ट्र 192 राष्ट्र नेशंस हैं पूरे विश्व के, आज किसी देश के दो नाम नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप जैसे पत्रकार भाई हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आप पधारे। अब किसी आप लोगों के भी नाम दो नहीं होंगे, हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे भी नाम दो नहीं है, किसी देश के किसी मित्र के किसी इंसान के नाम दो नहीं हो सकते। तो हमारे देश को दो नामों से क्यों पुकारा जाता है, एक भारत और एक इंडिया। नाम का कभी अनुवाद कभी नहीं हो सकता और हो भी नहीं सकता, क्योंकि नाम तो नाउन होता है। तो हम यहाँ पर जो अभियान लेकर के आपके समक्ष आए हैं, जो 7 तारीख को मैंने अभी पूर्व में कहा कि 7 तारीख को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल हॉल जो आपके नज़दीकी है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ उस हॉल को जब हमने देखा तो बहुत ही सुंदर लगा, और यहाँ पर आपके समक्ष एक और विभूति बैठी है जिनको मैं नमन करता हूँ, हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया है, सहयोग दिया है, और ये जो भवन है जो 13 पंथ भवन के नाम से जाना जाता है, इतना सुंदर भवन बनाया है, इस भवन के 13 पंथ सभा के दिल्ली के अध्यक्ष हैं आदरणीय सुखराज जी सेठिया साहब भाई साहब, और इन्होंने जब हमने इनको कहा कि ऐसी ऐसी बात है वहाँ पर करीबन 700 लोगों के लोग रहेंगे, काफ़ी कुछ होगा, तो हमने इनसे कहा कि कम से कम देखिए भोजन हम लोगों के भारतीयता में संस्कृति में लिखा है कि जो भी हमारे घर पे आता है हम उसे पानी के साथ नाश्ता भोजन करवाते हैं। तो आदरणीय सुखराज जी भाई साहब ने हमने एक शब्द में कहा, बोले कोई चिंता मत करो, 13 पंथ समाज और पूरा जैन समाज, अग्रवाल समाज और पूरा भारतीय समाज, पूरा विश्व समाज, पूरा देश का हर समाज इसका साथ देगा, क्यों नहीं देगा। कौन चाहते हैं कि उसकी माँ के नाम दो हो, कौन चाहेगा, मुझे लगता नहीं कि कोई भी विश्व में चाहेगा। और भारत तो हम सबकी माँ है, 137 करोड़ की माँ है भारत, और वह चीख चीख के बोल रही है, अरे मेरे बच्चों तुम लोगों के नाम दो नहीं है तो तुम लोगों ने मेरा नाम दो क्यों रखा है, भारत और इंडिया। आओ हम सब मिलकर
भारत माँ अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रही है। हम इस 15 अगस्त को 75 साल पूरे कर लेंगे। आज पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जो आयोजित किया है मैं भारत फाउंडेशन ने, भारतीय प्रतिबिंब कल आज और कल, यानी कि भारत का इतिहास पहले क्या था, पाषाण युग से हम चले आ रहे हैं, हम अपने आप को हमारी संस्कृति के द्वारा हमने क्या नहीं दिया पूरे विश्व को, और वर्तमान का भारत, आज जो वर्तमान का भारत है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा, और भविष्य का भारत तो आप सब जानते हैं इतना सुंदर होगा कि आज जो हम कहते हैं कि वो राष्ट्र भारत, आज भारत सबसे आगे होगा, हर चीज में आगे होगा, और सबसे बड़ी चीज भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है पूरे विश्व में जो विश्व को जीना सिखाती है, प्यार करना सिखाती है, आत्मीयता सिखाती है, एक दूसरे से मिलकर रहना सिखाती है। ये केवल भारतीय संस्कृति में लिखा है, क्योंकि ऋषि मुनियों का देश है, ये संस्कृति का देश है। क्या नहीं है हमारे भारत में, हर चीज तो हमारे भारत में। अंतिम एक बात कहूँगा, मेरे काफ़ी मित्र हैं, वक्ता हैं, सभी आप लोगों को बोलेंगे, क्योंकि हमारे संस्था के अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके महामंत्री जी हमारे शोभा जी सादानी जो खुद कोलकाता रहती हैं, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे निशा जी लड्डा वो खुद कोलकाता रहती हैं, उनके जो पिताजी वो भी यहाँ पधारे हैं, और उसके बाद हमारे जो जैसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ गलतियाँ इंसान से होती है तो उसको सजाना संवारना और उसके लिए वकीलों की ज़रूरत होती है, तो हमारे अधिवक्ता साहब हमारे माहेश्वरी जी हैं, उसके बाद हमारे प्रिय मित्र ध्रुव जी अग्रवाल जो आप सभी जानते ही हैं, उनको तो काफ़ी फेमस हैं, और उसके बाद हमारे एक हम बोलते हैं ना कि हमारा कार्यालय भी लक्ष्मीनगर में ही है, और लक्ष्मीनगर के स्टेशन के बगल में ही आप जब निकलते होंगे तो गणेश कचौड़ी कहा जाता है, जिसकी खुशबू पूरे मेरे ख्याल में आप जानते ही होंगे, भाई साहब के देखिए मुँह में एकदम ही आ गया, तो गणेश कचौड़ी के आप मालिक हैं हमारे भाई साहब अवधेश जी गुप्ता साहब, तो सभी हैं और भी काफ़ी मित्र हैं जो आ रहे हैं आएंगे, बस जुड़ते चले जाएंगे। कहते हैं एकला चलो रे कारवां बनता जाएगा। मैं भारत फाउंडेशन आज एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो विश्व में लोग उसके फैले हुए हैं, लोग एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि जितना भी ये जो चल रहा है भाइयों का विवाद, आपस में विवाद, ये एक ही चीज से दूर हो सकता है जिस समय हम अपने विश्व को बताएंगे और हमारी माँ कहेगी कि मैं भारत हूँ, केवल मैं भारत हूँ और भारत हूँ। धन्यवाद, जय भारत। कह सकते हैं सर, दो नाम है तो आप कह रहे हैं एक नाम करो, तो आप तो भी कह रहे हैं चार नाम है इसे एक करो, चार नाम तो बोली कैसे, संविधान में तो दो ही नाम है ना, संविधान में तो दो है ना सर, संविधान की बात कर रहे हैं ना, आज देखिए आपका जो नाम है, आपका नाम एक है, क्यों है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी वो एक है, एक ही है ना, लेकिन पिंटू चिंटू मप्पू मम्मू सभी बोलते हैं, उसके लिए अपनी कोई बात नहीं है, वो चीज अलग है। संविधानिक जो नाम है और नोट में जो दो नाम है उसमें हम एक करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी संविधान में किसी देश का नाम दो नहीं है और ना ही किसी नोट में दो नाम है, एक तो ये बात है जी। सो एक क्वेश्चन जो आपने किया, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, राइट, यू मेंशन कि इन अणुगत भवन, राइट, वाज द कनेक्टिविटी ऑफ दिस, राइट, व्हाई वी आर डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो संयममय जीवन हो, जीवन ही संयम हो, यस, तुलसी अणु का सिंगनाथ सारे जग में पसरेगा, राइट, सो जो भारत है वह ऋषि मुनियों की धरती है, राइट, और आप लाखों साल का इतिहास देखेंगे, आपको अनेक ऋषि मुनि, वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म ग्रंथ, ये सब मिलेंगे। आप अगर ईस्ट यूरोप से लेके और जापान तक देखेंगे, कोई भी सभ्यता नहीं बची, खाली भारतीय सभ्यता बची, राइट, यूनान रोम मिश्र से मिट गए जब जहां से, पर बात है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, राइट, तो ये जो भारत है, राइट, ये भारत ऋषि मुनियों की धरती है, जैसे अणुगत तुलसी जी का था, सेम वे भरत ऋषि मुनि, राइट, ये सारे, तो आपके क्वेश्चन में ये आंसर है कि क्योंकि भारत, भारतीय संस्कृति, ये लाखों साल से इसका नाम भारत ही था, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मिडल नेम अंग्रेज जाते हुए थोप के गए। मैं जो बात बोल रही हूँ,
कि एक विवेकानंद को हम सब याद करते हैं जिसने कितनी छोटी सी उम्र में अमेरिका में जाके यूथ को जगाया था और बताया था भारत क्या है। अपने डिफेंस में नहीं जाएंगे, आपने रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात सुनी होगी कि भारत मानव तीर्थ सागर है, मानव सागर का तीर्थ है। आप अभी अमेरिका में जो बात विजय जी बोले उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल करती हूँ कि आप अभी अमेरिका में 18 साल के बाद किसी लड़के को पूछिए व्हाट इज योर फादर्स नेम, वो ढूंढेगा कौन से फादर का नाम लो। व्हाट इज योर मदर्स नेम, वो ढूंढेगा कौन से मदर्स का नाम लो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप हमारे जो नेबर्स है, हमारे जो संपर्क है, हमारे जो प्रेम भाईचारा वाली चीज है, ये भारत संदेश देता है कि यदि वसुदेव कुटुंब भारत दे सकता है तो भारत ही वो देता है। इसलिए विश्वगुरु था, है और रहेगा। सेकेंडली एक बात और बोल रही हूँ, यूथ हमारे तो इस कार्यक्रम में क्या सहयोग कर रहे हैं, मैं भारत फाउंडेशन को अनुव्रत की तरफ से क्या सहयोग है और अनुव्रत का क्या पक्ष है इस पूरे मुद्दे को? अनुव्रत का जो आंदोलन है वो नैतिकता का आंदोलन है और आचार्य श्री तुलसी ने असली आजादी अपनाओ का नारा दिया था और इस अनुव्रत आंदोलन को प्रारंभ किया था। इसी तरह मैं भारत फाउंडेशन का जो एक परिकल्पना विजय जी के दिमाग में आई और आज ये इनके इतने व्यापक संपर्क से और इनके परिश्रम से आज ये आंदोलन का रूप ले लिया। भारतीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। हमारे देश को पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को विश्व जगतगुरु कहा जाता था, न कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जो हमारी भारत की संस्कृति बताया कि क्यों पड़ी है, मैं तो यही बोलूंगी कि आज हम सब ये मिलकर प्रण करें, आज हम ये प्रण ले कि जब तक भारत, जब तक हमारा प्राचीन भारत को भारत नहीं बोला जाएगा आज हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि 12 साल पहले ही मैं भारत हूँ पत्रिका द्वारा ये अलग जगाई गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी और आज मैं भारत हूँ फाउंडेशन स्थापित की गई है बस इसलिए ताकि हम पूरे विश्व को ये बता सके कि आज हमें, आज भी हम इंडिया को क्यों इंडिया कहते हैं, क्यों नहीं हम इसे भारत के नाम से संबोधित करते हैं। इंडिया तो गुलामी का नाम है। आइए मिलकर आज सब हम ये प्रण लें और इस ऐतिहासिक अभियान में, इस भारत नाम की आज़ादी में जुड़कर भारत स्वतंत्रता सेनानी बने। क्या पक्ष है इस पूरे मुद्दे पे और आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप सीए भी हैं। देखिए महाराजा अग्रसेन हमेशा भारत और भारत की परिकल्पना की है और ये जो अभियान विजय जी और शोभा जी और निशा जी चला रही हैं, मैं तो यही कहूँगा या येसु सुप्तेसु जागृत कामम कामम पुरुषो निर्वाण तदैव शुक्रम तदैव सत्यम तदैव अमृत मुच्छते। ये सोते हुए में से जागते हुए लोग, क्योंकि जब तक ये भारत नहीं कहा जाएगा और मैं इनकी मुहिम के लिए पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैला रहा हूँ। 7 तारीख को आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें 250 से ज़्यादा संस्थाएं इसमें भाग लेंगी और 7 तारीख के बाद में 9 तारीख से 15 तारीख तक जो आप पहले करते थे वो हम जंतर मंतर और इसकी परमिशन ली हुई है। दुआ साहब भी बैठे हैं और जैन साहब ने भी वादा किया है कि 9 से पहले दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे।